डिमांड इसकी 15,000, डिमांड इसकी है 17,000 रुपये, 19,000 रुपये, 19,000, डिमांड इसकी 25,000 रुपये, 25,000 की 2016 मॉडल पास कौन है, मान सम्मान रख लिया जाएगा, थोड़े बहुत कम। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आयुष्मान कुमार, आप देखने चैनल लखनऊ आयुष्मान। तो आज की स्टूडियो में मैं यहाँ पे अकरम बाइक पॉइंट आ चुका हूँ। जैसा देख सकते हैं मेरे पीछे अकरम बाइक पॉइंट लिखा हुआ है। तो बहुत लोग डिमांड कर रहे थे भाई हमें R1 पे वीडियो बना दीजिए, एवेंजर की बहुत डिमांड कर रहे थे, एक्टिवा की बहुत डिमांड कर रहे थे। तो चलते शॉप के ओनर के पास, एक एक गाड़ी की डिटेल जानते हैं, तो वीडियो को शुरू करते हैं। सर सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। सर मेरा नाम मुस्तकीम खान है। अच्छा, आपकी शॉप का क्या नाम है? हमारी शॉप का नाम अकरम बाइक पॉइंट। एड्रेस बता दीजिए। एड्रेस है फारिश कॉम्प्लेक्स, नियर एग्जॉन स्कूल, कैंपल रोड, बालागंज, लखनऊ। अच्छा, अब पहले आपकी वो शॉप बालागंज में थी उसका? जी सर, पहले ये हमारी शॉप बालागंज चौराहे के पास थी। आपने बिल्कुल सही पहचाना, और SR पेट्रोल पंप के बगल में इसी नाम से पहले थी ये दुकान। हमारी यहाँ तकरीबन 20 दिनों से शिफ्ट हो गई है, वो वाली दुकान बंद करके यहाँ पे हम लोगों ने शिफ्ट कर दी। जी हाँ। तो भाई अपने पास स्टार्टिंग कितने से? हमारे पास स्टार्टिंग 15,000 रुपये से हो जाएगी। और स्टॉक में क्या क्या मिल जाएगा? स्टॉक में सर हमारे पास बहुत सी गाड़ियाँ हैं। हमारे पास स्टार्टिंग यहीं से होती है, होंडा CD100 SS, और उसके बाद में हमारे पास स्कूटी में स्कूटी पेप है, प्लेजर है, एक्टिवा है, जुपिटर है, मैस्ट्रो है। बाइक में सर हमारे पास होंडा शाइन है, डिस्कवर है, TVS स्टार सिटी, अपाचे, R15, फेजर, FZ, बहुत सी सर हमारे पास बाइकें हैं, एवेंजर भी हैं, बहुत सी बाइकें हैं। जो भी तकरीबन कस्टमर को पसंद है वो हमारे पास मौजूद हैं। तो भाई सबसे पहले कौन सी गाड़ी दिखा दें? सबसे पहले हम लोग दिखाते हैं आपको होंडा SS। अच्छा जी हाँ, CD SS। ठीक, ये मॉडल 1997 है। हाँ, सेकंड ओनर गाड़ी है। हाँ, और इसका रजिस्ट्रेशन करवा के देंगे 2027 तक। अच्छा, यानी 5 साल का। और किलोमीटर कितनी चल गई है? किलोमीटर तकरीबन ये चली है 70-75,000 किलोमीटर। अच्छा, ऑनरशिप कितनी है? सेकंड है। सेकंड जी। और टायर की बात की जाए? टायर आपके सामने है सर, बेस्ट हैं। अच्छा, कितने परसेंट है टायर बचे हैं? अरे मान के चलें तकरीबन 40% तो हैं। अच्छा, 40% टायर। जी। और क्या डिमांड कर रहे हैं? डिमांड इसकी 15,000। अच्छा, जी। और इसमें भी कुछ कम कर देंगे? जी आपके चैनल के ज़रिए आएंगे तो कुछ ना कुछ कम कर देंगे। अच्छा ठीक है। अब ये दूसरी कौन सी गाड़ी है? ये TVS की XL हैवी ड्यूटी। अच्छा, हैवी ड्यूटी जी। और कौन सा मॉडल है ये? मॉडल 16 है। 16 मॉडल जी। और किलोमीटर तकरीबन चलिए 7,000। जी हाँ। फर्स्ट है जी, फर्स्ट ओनर। क्या डिमांड कर रहे हैं? डिमांड इसकी 32,000 रुपये। 32,000 जी। और इसमें भी गुंजाइश है? जी गुंजाइश हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद अपाची। क्या अपाची? इसकी वही डिटेल बता दीजिए। ये 2008 मॉडल है। हाँ, 160 जी हाँ। और किलोमीटर की बात की जाए? किलोमीटर चली है तकरीबन 65,000 किलोमीटर। और क्या माइलेज निकालता है अपाची का? माइलेज 45 का निकलता है। अच्छा, और टायर की बात की जाए? टायर अच्छे हैं। अच्छा, कितने परसेंट हैं टायर अभी? 60% हैं बाकी। 2008 मॉडल। क्या डिमांड कर रहे हैं? डिमांड इसकी 25,000 रुपये। 25,000 जी। ठीक है, अब ये दूसरी कौन सी आ गई? बजाज। इसके बाद बजाज डिस्कवर 125 cc, ये 2005 मॉडल है। ऑनर? ऑनर सेकंड है। सेकंड जी हाँ। और क्या माइलेज निकलता है इसका? माइलेज इसका तकरीबन 55 का निकलता है। क्या डिमांड कर रहे हैं? डिमांड इसकी है 17,000 रुपये। और किलोमीटर बता दीजिए। किलोमीटर चलिए 74,000 किलोमीटर। 74? जी। और जेन्युइन चलिए? जेन्युइन चलिए। मीटर बाइक तो नहीं देगा? मीटर बाइक नहीं, मीटर बाइक होता तो फिर इतनी ना दिखाती। अच्छा, हम लोग मीटर बाइक नहीं करवाते हैं। अच्छा, और क्या डिमांड कर रहे हैं? डिमांड इसकी 17,000। 17,000 जी। और इसमें गुंजाइश जी? ठीक, अब ये दूसरी कौन सी डिस्कवर आ रही है? ये डिस्कवर 135 है। ठीक है, 2007 मॉडल। जी। और किलोमीटर की बात कीजिए? सर इस पर नया मीटर लगा है इसलिए अभी ये 580 किलोमीटर दिखा रहा है सिर्फ। और क्या माइलेज निकाला था इसका? माइलेज इसका भी वही 50+ है। अच्छा, क्या डिमांड कर रहे हैं? इसकी डिमांड है 19,000 रुपये। 19,000 जी हाँ। LI व्हील और सेल्फ स्टार्ट है। अच्छा, अब इसके बाद कौन सी आ गई? इसके बाद फेजर। फेजर जी।
कितने सीसी की होती है ये? 150 सीसी। क्या माइलेज निकाला है इसका? माइलेज इसका भी 45। 2013 की है, दिसंबर की। और किलोमीटर? किलोमीटर चलिए 41,000। इसकी डिमांड 35,000 रुपये। 35,000 जी हाँ। और इसमें भी कितने हैं? जी ठीक है सर, इसकी डेट बता दीजिए। एवेंजर की ये 2016 मॉडल है। 16 मॉडल जी हाँ। और किलोमीटर? किलोमीटर चलिए 32,000। ऑनरशिप कितने देंगे? फर्स्ट जी हाँ। क्या डिमांड कर रहे हैं? डिमांड इसकी 48,000 रुपये। 48,000। और इसमें भी कुछ कम करें? जी थोड़ा बहुत कम हो जाएगा। क्या माइलेज निकला था इसका? माइलेज इसका तकरीबन 35 के आसपास है, 220 सीसी है। जी हाँ। अच्छा, एमआई इसकी डिमांड बता दीजिए। 48,000। 48,000 ठीक। एक्सीडेंटल गाड़ियाँ तो नहीं रहेंगे? नहीं नहीं सर, हम लोग एक्सीडेंटल गाड़ियाँ रखते ही नहीं। सर इसकी डिटेल बता दीजिए। ये 2017 मॉडल है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है। फर्स्ट ओनर जी हाँ। और किलोमीटर? किलोमीटर ये चलिए 18,000 किलोमीटर। ओनरशिप कितनी रहेगी? फर्स्ट ओनर जी हाँ। और क्या माइलेज निकला था 35,000? माइलेज इसका लमसम मान के चलें 50 का देगी। क्या डिमांड कर रहे हैं? 32,000। 32 जी 32। और इसमें भी कुछ जायज़ जी? बस थोड़ी बहुत हो जाएगी इस पर। 2017 मॉडल। 17 जी हाँ ठीक है। इसके बगल में कौन सी है? इसके बगल में ये पैशन प्रो है, 2017 मॉडल। 17 मॉडल। और किलोमीटर की बात की है? 29,000। और फर्स्ट ओनर? फर्स्ट ओनर है जी। क्या डिमांड कर रहे हैं? डिमांड इसकी 47,000। 47 जी। और क्या माइलेज निकाला था इसका? इसका माइलेज तो 60 का है। 60 का जी। और क्या डिमांड कर रहे हैं? 47,000। 47 ठीक है। अब इसके बगल में अपाचे ये पल्सर है, इसकी डिटेल बता दीजिए। ये 2017 मॉडल है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है। किलोमीटर चली है ये 75,000। 75,000। ऑनरशिप कितने हैं? फर्स्ट। क्या डिमांड कर रहे हैं? डिमांड इसकी भी 47,000। 47 जी हाँ। क्या माइलेज निकला था इसका? माइलेज इसका 45 समथिंग। 45 जी, जी। 150 सीसी जी हाँ। 150 इंजन तो नहीं खुला होता है? नहीं सर, थोड़ा सा काम जो था वो हम लोगों ने करवा दिया है, आप गाड़ी बिल्कुल फ्रेश है। जैसे कि थोड़ा सा गाड़ी में धुआं था वो हम लोगों ने ठीक करवा दिया है। जिन गाड़ी में काम करवाया है उसके बारे में बता दिया जाएगा। अच्छा, जो ओरिजिनल गाड़ी है जी हाँ, जी ओरिजिनल है जी हाँ। जो गाड़ी में अगर काम कराया गया है कस्टमर पूछते हैं तो हम लोग बता देते हैं। ये 2013 मॉडल है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है। और किलोमीटर? किलोमीटर चलिए 32,000। ओनरशिप कितनी है? फर्स्ट ओनर। क्या डिमांड कर रहे हैं? डिमांड इसकी 30,000 रुपये। 30,000 जी हाँ। और इसमें भी बस थोड़ी बहुत हो जाएगी। और फाइनेंस का अपने पास कुछ बता दीजिए? सर फाइनेंस हो जाती हैं लेकिन जो ऊंचे मॉडल की गाड़ियां होती हैं वो। और कौन से मॉडल से फाइनेंस स्टार्ट है अपने पास? 2014 से। अच्छा, 14 से 21 वाली फाइनेंस है। जी हाँ। दूसरी कौन सी दिखा रहे? अब इसके बाद दिखाते हैं ये मैस्ट्रो। मैस्ट्रो इसका बता दीजिए। ये 2014 मॉडल है। 2014 मॉडल जी हाँ। और किलोमीटर? किलोमीटर चली है ये 42,000। 42 जी हाँ। और क्या माइलेज निकला था? इसका माइलेज वही 40+। और क्या डिमांड कर रहे हैं? इसकी डिमांड 30,000 रुपये। 30,000 जी। और इसमें भी गुंजाइश? जी गुंजाइश हो जाएगी। अब ये R1 का बता दीजिए। R1 2020 मॉडल है। 20 मॉडल जी हाँ। फर्स्ट ओनर गाड़ी। और किलोमीटर? किलोमीटर चलिए 20,000। 20,000। और क्या माइलेज निकला था? इसका माइलेज ऐसे ही है 40+, 40 के आसपास समथिंग। 150 सीसी होती जी हाँ। क्या डिमांड कर रहे हैं? डिमांड इसकी 95,000। 95 जी हाँ। ये जुपिटर की डिटेल बता दीजिए। ये जुपिटर 2015 मॉडल है। 2015 जी हाँ। और किलोमीटर? किलोमीटर चलिए 27,000। ऑनरशिप कितनी रहेगी? ऑनरशिप इसकी थर्ड है। थर्ड ओनर जी हाँ। क्या डिमांड कर रहे हैं? डिमांड इसकी 30,000 रुपये। 30,000 जी हाँ। 2015 मॉडल। ठीक। और क्या माइलेज निकला था इसका? इसका माइलेज भी समथिंग 40। ठीक। सर इसका बता दीजिए। एवेंजर? ये एवेंजर 150 सीसी वाली है। 150 सीसी जी। 2016 मॉडल है। किलोमीटर? किलोमीटर चलिए 28,000। ऑनरशिप कितनी है? फर्स्ट ओनर। फर्स्ट ओनर जी हाँ। और क्या माइलेज निकला था इसका? इसका माइलेज 45 है तकरीबन। 45 जी हाँ। 150 सीसी है जी हाँ।
इसकी डिमांड 46,000 रुपये है। 46। और इसमें भी गुंजाइश जी थोड़ी बहुत हो जाएगी। अच्छा, आपके चैनल के जरिए आएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा दे देंगे डिस्काउंट हमारे चैनल की तरफ से आएंगे। जी आपके चैनल की तरफ से आएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे देने की डिस्काउंट। अब दूसरी कौन सी है? इसके बाद दिखाते हैं अपाचे। अपाचे साइज का बता दीजिए। ये 2019 मॉडल है, डबल डिस्क में है और फर्स्ट ऑनर है। 23,000 किलोमीटर चली। जी हाँ, क्या माइलेज निकला था अपाचे का? माइलेज इसका भी 45 है तकरीबन। क्या डिमांड कर रहे हैं? इसकी डिमांड सर 82,000 है, 82,000 रुपये। जी हाँ, कुछ कम हो जाएगा जी। फाइनेंस हो जाएगी जी हाँ। अब ये दूसरी कौन सी आई? ये पल्सर 150। अब पल्सर 150 जी हाँ, 150 डबल डिस्क में फुली लोडेड। 2019 मॉडल जी। और किलोमीटर कितनी चल रही? किलोमीटर चली है ये 14,000, 14,000 किलोमीटर। और क्या डिमांड कर रहे हैं? इसकी डिमांड 72,000 रुपये। जी 72,000 रुपये। ये डबल डिस्क में फुली लोडेड है। अच्छा जी, इसकी डिटेल बता दीजिए। ये 2016 मॉडल है। अच्छा जी हाँ। और किलोमीटर की बात कीजिए? किलोमीटर चलिए ये 39,000। जी 39,000 जी हाँ। अच्छा, और क्या माइलेज निकल रहा था इसका? माइलेज इसका भी 45 है समथिंग। 45 जी हाँ। और क्या डिमांड कर रहे हैं? डिमांड इसकी है सर 48,000 रुपये। 48,000 जी हाँ। और इसमें भी गुंजाइश है? जी हाँ, कुछ गुंजाइश है। गाड़ी है तो नहीं देंगे अपने पास? नहीं सर, रिपेंट नहीं है कोई, अगर कोई होगी तो बता दी जाएगी। अच्छा जी हाँ, ठीक है। ये एफजेड की डिटेल? ये एफजेड सर 2013 मॉडल है। 13 मॉडल जी हाँ। और किलोमीटर की बात कीजिए? किलोमीटर ये चली है 45,000। 45 जी हाँ। अपने पास मीटर बैग तो नहीं? मीटर बैग नहीं जी, नहीं। अगर मीटर बैग होता तो जो पल्सर 75,000 थी हाँ। वो 75,000 किलोमीटर ना होती। अच्छा, वो मीटर बैग हो तो वो 30,000-40,000 किलोमीटर बन जाती हाँ। हम लोग मीटर बैग नहीं कराते हैं कोई भी गाड़ी का। मीटर बैग की पूरी तरह से गारंटी जी हाँ। और क्या डिमांड कर रहे हैं इसकी एफजेड की? एफजेड की सर ये 33,000 रुपये। 33,000 जी हाँ। और क्या माइलेज निकला था इसका? इसका माइलेज भी ऐसे ही निकलता है 45 के आसपास। 45 जी हाँ। 2013 मॉडल। 13 मॉडल जी हाँ। और इसमें भी गुंजाइश है जो? जी हाँ, कुछ गुंजाइश हो जाएगी आपके चैनल के जरिए। ठीक है सर, इसकी डिटेल बता दीजिए। ये होंडा शाइन हाँ। 2018 मॉडल। 18 मॉडल जी हाँ। और किलोमीटर की बात कीजिए? किलोमीटर ये चलिए 18,000। 18,000 जी हाँ। ऑनरशिप कितनी रहेंगी? फर्स्ट ऑनर जी। और क्या माइलेज निकल आता है इसका? माइलेज लमसम 55 का है। 55 का। ओरिजिनल पेंट पे रहेगी ना? ओरिजिनल पेंट है हाँ। जेन्युइन चली हुई है। अच्छा, और क्या डिमांड कर रहे हैं? डिमांड इसकी सर 52,000। जी आप 2018 मॉडल? जी हाँ, 2018 मॉडल फर्स्ट ऑनर। अब ये डिस्कवर की डिटेल बता दीजिए। सर ये डिस्कवर 2014 मॉडल है, फर्स्ट ओनर है। और फर्स्ट ओनर? जी हाँ, फर्स्ट ओनर। और किलोमीटर कितनी बताइए आपने? किलोमीटर देखिए, याद नहीं रहता ना कभी कभी, कोई गाड़ी नहीं याद रहती। अच्छा, ये 43,000 किलोमीटर। अच्छा, 43। ऑनरशिप फर्स्ट है? फर्स्ट ओनर जी। क्या डिमांड कर रहे हैं? डिमांड इसकी सर 30,000 रुपये। 30,000 रुपये। और इसमें भी गुंजाइश? कुछ गुंजाइश हो जाएगी। अब ये TVS की आ गई है? ये TVS 2016 मॉडल। 16 मॉडल जी। ऑनरशिप? फर्स्ट ओनर जी। और किलोमीटर? किलोमीटर ये चलिए 32,000। 32,000। और क्या माइलेज निकला था इसका? इसका माइलेज 55 के आसपास है। अच्छा, 55 का जी हाँ। क्या डिमांड कर रहे हैं? 32,000। इस टाइम पे ये वाली भाई नई कितने की आ रही है? नई आ रही होगी तकरीबन 90,000 रुपये की। 90,000 की आपके पास की वो मिल जाएगी? 32,000 की हमारे पास। 32,000 की 2016 मॉडल। 16 मॉडल फर्स्ट ओनर। ठीक है, BS4 है जी। BS4 है। ठीक है सर, इसकी डिटेल बता दीजिए। ये 2020 मॉडल है। 20 मॉडल जी हाँ। और किलोमीटर की बात कीजिए? किलोमीटर चलिए 16,000। 16,000 जी हाँ। ऑनरशिप फर्स्ट है? फर्स्ट ऑनर है। BS4 है? BS6? BS6 है। BS6 जी। ओरिजिनल पेंट पे है? ओरिजिनल पेंट पे है। पूरी ओरिजिनल गाड़ी है। इसकी डिमांड है 58,000। 58 जी हाँ, 58,000 रुपये। गुंजाइश है सर? बस थोड़ी बहुत हो जाएगी क्योंकि हम लोग इतने रेट नहीं बताते हैं। बस आपके चैनल के जरिए आएंगे तो कुछ ना कुछ कम कर दिया जाएगा। मान सम्मान रख लिया जाएगा? जी मान सम्मान रख लिया जाएगा, थोड़े बहुत कम कर देंगे। अच्छा जी हाँ। और फाइनेंस भी हो जाएगी? जी फाइनेंस हो जाएगी। एक्टिवा जी, 4G। और किलोमीटर कितनी चल गई है? किलोमीटर सर चली है ये 35,000। 35,000।
2015 मॉडल। और क्या माइलेज निकला था इसका? माइलेज इसका सर 40 प्लस। और क्या डिमांड कर रहे हैं? डिमांड इसकी 36,000 रुपये। 36,000 रुपये। और इसमें भी गुंजाइश है? इससे थोड़ी बहुत गुंजाइश हो जाएगी और वेल मेंटेन गाड़ी होगी। ठीक है, शोरूम कंडीशन। एक भी स्क्रैच नहीं होगा? एक भी स्क्रैच नहीं सर, आप देख सकते हैं बिल्कुल शोरूम कंडीशन गाड़ी। ठीक ठीक, तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और जिन लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो कर रखा है, तो आप लोग प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।